इस डबल इंटीग्रल को हमें इवेल्युएट करना है, तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है उसमें आप देख सकते हैं एज ए इंटीग्रेंड फंक्शन ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर दे रखा है। और अगर हम इसका ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करते हैं तो हमें कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि आइदर एक्स स्क्वेयर का जो डेरिवेटिव है 2x और वाई स्क्वेयर का जो डेरिवेटिव है 2y, दोनों में से कोई भी एज ए इंटीग्रेंड फंक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, तो इसका ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करके कोई फायदा नहीं होगा। तो फिर इस प्रॉब्लम को क्या डायरेक्ट करेंगे? डायरेक्ट भी इसको नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं इंटीग्रेशन ई रेज टू द पावर एक्स का हम जानते हैं, और ये ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वेयर टाइप का फॉर्मेट दिखता है, आइदर एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर, तो हम इसको डायरेक्ट भी सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसको करने का तरीका होगा कि इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम हम चेंज कर दें। तो ये यहाँ पर एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, हम इसको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज कर देंगे। जब भी आपको किसी फंक्शन में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर टाइप मिले तो आप उसको कोशिश करें कि उसको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज कर दीजिए, उससे क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू आर स्क्वेयर से हम इसको रिप्लेस करेंगे, और यहाँ पर आर और थीटा की लिमिट्स क्या होंगी, तो पहले सबसे पहले हम इसका रीजन ऑफ इंटीग्रेशन देख लेते हैं, उसके हेल्प से हम इसकी आर और थीटा की लिमिट पता कर पाएंगे। तो एक्स की जो लिमिट है वो माइनस इन्फिनिटी से वेरी कर रही है वाई तक, एक्स इक्वल टू वाई तक, और जो वाई की लिमिट्स हैं वो भी वेरी कर रही है माइनस इन्फिनिटी से एक्स इक्वल्स टू प्लस इन्फिनिटी तक। तो यानी कि ये हमारा एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी ये हो गया और एक्स इक्वल टू वाई ये लाइन हो गया। यहाँ पर वाई की जो लिमिट है वो माइनस इन्फिनिटी से, सॉरी, जो आपके वाई की लिमिट है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक वेरी कर रही है, और एक्स की ये, तो हमारा जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है आप देख सकते हैं ये लाइन के लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है, जो y इक्वल टू एक्स लाइन है, दिस इज y इक्वल टू एक्स, इसके लेफ्ट साइड का पोर्शन है। तो यहाँ पर इसको पाई बाय फोर लिख सकता हूँ, और ये होगा पाई बाय फोर प्लस पाई, यानी कि फाइव पाई बाय फोर। तो जो हमारी थीटा की लिमिट होगी वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी? पाई बाय फोर से फाइव पाई बाय फोर यहाँ तक वेरी करेगी, और r के आप देख सकते हैं ये इन्फिनिटी तक गोज कर सकता है, तो r की जो लिमिट होगी वो जीरो से इन्फिनिटी तक होगी। तो अब हमें इसमें ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आर की जो लिमिट है वो जीरो टू इन्फिनिटी है, और थीटा की जो लिमिट है वो पाई बाई फोर से फाइव पाई बाय फोर, और ये था माइनस हाफ आर स्क्वेयर, और इसका जकोबियन आर डी आर डी थीटा। तो सबसे पहले हम इसको थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेते हैं, क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट में इसको हम ट्रीट कर सकते हैं एज ए कांस्टेंट। तो ये हमको ऐसे ही रहेगा ई रेज टू द पावर माइनस हाफ आर स्क्वेयर, और थीटा के रेस्पेक्ट में करा हमने इसको, तो हमें मिलेगा फाइव पाई बाय फोर माइनस पाई बाय फोर, और ये मिला डी आर, इसकी जो लिमिट है वो जीरो से इन्फिनिटी तक वेरी कर रही है। यहाँ से इसको सिंपलीफाई करने पर यहाँ से पाई मिलेगा, तो इसके जो हमारे जो फंक्शन था आप देख सकते हैं वन अपॉन टू पाई वो आउटसाइड चल ही रहा था, तो यहाँ पर वन अपॉन टू पाई भी रहेगा आउटसाइड, तो उसको भी हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पर ये वन अपॉन टू पाई, इस पाई से ये वाला पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली हमें जो मिला एक्सप्रेशन वन अपॉन टू जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस हाफ आर स्क्वेयर इंटू आर डी आर, इसको लेट कर लीजिए, यानी कि माइनस वन अपॉन टू आर स्क्वेयर को आप टी लेट कर लीजिए, तो जो आपको मिलेगा वो मिलेगा माइनस आर डी आर इक्वल टू डी टी। न्यू लिमिट्स आपकी सेम रहेंगी, तो ये मिला एक्सप्रेशन वन अपॉन टू, और क्योंकि माइनस है तो माइनस को मैंने आउटसाइड यूज किया, और ये हो जाएगा ई रेज टू द पावर
टी टाइप का रहेगा, तो ये माइनस वन अपॉन टू आर स्क्वेयर, और इसकी जो लिमिट थी जीरो से इन्फिनिटी, ये इसका हमें इंटीग्रेशन मिल गया। अब ये जो है एक्सप्रेशन वो ई रेज टू द पावर माइनस एक्स टाइप का है, और जो इसका ग्राफ होता है वो क्या होता है, वो इस तरह से कुछ इसका ग्राफ होता है। तो जैसे ही ई रेज टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ इन्फिनिटी को रीच करता है तो वो जीरो को टेंड्स कर जाता है, यानी कि जैसे ही एक्स इन्फिनिटी को रीच करेगा ग्राफ जो है जीरो को रीच करेगा, तो ये होगा माइनस हाफ आउटसाइड जीरो माइनस, और जब जीरो पर होता है तो इसका जो लिमिट होगा वो वन होगा, जीरो पर क्या होगा वन होगा। तो अब यहां से हमें मिला इसका आंसर हाफ, तो हाफ कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट की होगी।